हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फिन हब हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी और आपकी फ़ैमिली के हेल्थ और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए इस्पेशली इस कोरोना के समय में जहां पर मेडिकल बिल एक लंबा चौड़ा हो सकता है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करें वो आपके सारे प्लान या फिर अनप्लान्ड एक्सपेंसेस को कवर करें इसीलिए कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उस पॉलिसी के सारे फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है और इसी डिसीजन को आसान करने के लिए हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मैक्स बीपा हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्थ कंपेनियन इंश्योरेंस प्लान को हम डिटेल में देखेंगे इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के सारे फीचर्स और बेनिफिट और इस वीडियो के एंड में एक एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करेंगे प्रीमियम को फ्रेंड्स इसी टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने एच डी एफ सी अर्गो स्टार हेल्थ और Religare हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स को कंपेयर किया है आप उसे भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा ना ही मैं कोई एजेंट हूँ ना ही मुझे किसी कंपनी से कमीशन मिलता है मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप प्लान्स की सारी डिटेल्स खुद समझें ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीज़न ले सकें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले फ्रेंड्स पॉलिसी की डिटेल समझने से पहले देखते हैं मैक्स प्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ डिटेल्स मैक्स प्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया की टॉप फाइव प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में आता है अगर हम आई जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है उसका डेटा देखें तो 2018-19 में कंपनी ने अबाउट सेवन लाख हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करी थी यानी कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर हम बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो की तो ये रेशो है 54 परसेंट मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इनकर्ड क्लेम रेशो बताता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा लिया प्रीमियम में उसमें से कितना परसेंटेज वापस दिया क्लेम्स के लिए एक अच्छी कंपनी के लिए ये रेशो फिफ्टी टू 90 के बीच में होना चाहिए नेक्स्ट अगर बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल्स की तो मैक्स व्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप है मोर देन फाइव थाउजेंड प्लस हॉस्पिटल्स के साथ कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही में मैक्स प्यपा हेल्थ इंश्योरेंस का डायरेक्ट क्लेम सेटलमेंट है और थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू नहीं है जो कि एक अच्छी बात है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स मैक्स बीपा हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे पॉपुलर प्लान है हेल्थ कंपेनियन जिसे की इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है फ्रेंड्स हेल्थ कंपेनियन इंडिविजुअल और फैमिली दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है अगर आप फैमिली लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है पहला है फैमिली फ्लोटर इस प्लान में आप अपने और अपनी स्पाउस को ऐड कर सकते हैं और साथ ही में मैक्सिमम चार चिल्ड्रन को इस कंपनी में एक यूनिक प्लान भी है फैमिली फर्स्ट जिसमें आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स जैसे कि मदर फादर मदर इन लॉ फादर इन लॉ ब्रदर्स सिस्टर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर इत्यादि इन सब को भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में टोटल नाइनटीन रिलेशन हैं जिसके लिए आप एक कम्बाइंड पॉलिसी ले सकते हैं ये इस पॉलिसी का एक यूनिक फीचर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फीचर जो कि है सम इंश्योर्ड यानी कि आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होती है थ्री लाख ,00 से और मैक्सिमम है वन करोड़ पॉलिसी को टोटल तीन वेरिएंट्स में डिवाइड किया है पहला वेरिएंट है थ्री लाख टू फोर लाख की पॉलिसी वेरिएंट टू है फाइव लाख टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव लाख की पॉलिसी और वेरिएंट थ्री है फिफ्टीन लाख टू वन करोड़ की पॉलिसी मैक्सिमम बेनिफिट सेम है और जहाँ पर डिफरेंसेस हैं इन्हें हम आगे देखेंगे साथ ही में अगर आप फैमिली फर्स्ट लेते हैं जो कि पूरी कंबाइंड फैमिली के लिए एक जॉइंट प्लान है यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं एक है बेस सम इंशॉर्ट जिसमें कि आप हर एक इंडिविजुअल के लिए अपना अलग अलग सम इंशॉर्ट चूज़ कर सकते हैं और जो वेरी कर सकता है वन लाख टू टेन लाख और फ्लोटर प्लान भी अवेलेबल है जहाँ पूरी फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होगा जो कि वेरी करता है थ्री लाख टू ट्वेंटी लाख चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है इन हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 फोर आवर्स से ज़्यादा का है और यहाँ पर कवर होता है आईसीयू चार्जेस ओटी चार्जेज चार्जेस डॉक्टर कंसल्टेशन फीस रूम रेंट कॉस्ट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन एनिस्थीसिया मेडिसिन डायग्नोस्टिक इत्यादि हेल्थ कंपेनियन प्लान में चाहे आप कोई भी वेरियंट लें आपका मैक्सिमम चार्जेस रिफंडेबल होगा टू सम इंश्योर्ड और रूम रेंट पर यहाँ कोई कैपिंग नहीं है और सिंगल प्राइवेट एसी रूम इस पॉलिसी में कवर्ड है नेक्स्ट फीचर है प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस आप जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उससे तीस दिन पहले तक के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं वो इस पॉलिसी में कवर्ड हैं, जिसमें की इंक्लूड होता है डॉक्टर कंसल्टेशन फीस डायग्नोस्टिक चार्जेस मेडिकल चार्जेस इत्यादि इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट है सिक्सटी डेज की फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है नो क्लेम बोनस जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप जिस भी साल क्लेम नहीं करेंगे उसके अगले साल जब आप पॉलिसी रिन्यू कराने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में ट्वेंटी परसेंट ऐड कर दिया जाएगा और ये मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते हंड्रेड परसेंट तक हो सकता है और हेल्थ कंपेनियन की अच्छी बात यह है कि जब भी आप क्लेम करते हैं तो ये जो एडिशनल सम इंश्योर्ड ऐड हुआ है डिक्रीज नहीं होता है पर हाँ वो अगले साल ट्वेंटी परसेंट से नहीं बढ़ेगा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं मान लीजिए राम ने अपने लिए फाइव लाख की पॉलिसी ली और पहले साल कोई भी क्लेम नहीं किया तो अगले साल जब वो रिन्यू करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सम इंश्योर्ड में ट्वेंटी परसेंट यानी वन लाख ऐड कर दिया जाएगा बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के तो उसका सम इंश्योर अब हो जाएगा सिक्स लाख अगर वो सेकेंड ईयर में भी कोई क्लेम नहीं करता है तो थर्ड ईयर में रिन्यू कराते टाइम ये हो जाएगा सेवन लाख ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर पाँच साल तक वो कोई क्लेम नहीं करता है तो पाँच साल बाद उसका सम इंश्योर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और हो जाएगा दस लाख पर इसके बाद वो और नहीं बढ़ेगा और जिस भी साल वो क्लेम करेगा तो वहाँ पर बीस परसेंट ऐड नहीं होगा पर और डिक्रीज भी नहीं होगा जो कि एक अच्छा फीचर है इस पॉलिसी में क्योंकि बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में जब आप क्लेम करते हैं तो नो क्लेम बोनस डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं रीफिल बेनिफिट की जब भी आप क्लेम करते हैं और आपका सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी में एक बेसिक सम इंश्योर्ड जो था वो दोबारा ऐड कर दिया जाता है पर इसका बेनिफिट साल में सिर्फ एक बार मिल सकता है और सेम इलनेस के लिए नहीं मिल सकता है यहाँ पर मुझे लगता है कि मैक्स व्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस को कुछ चेंजेस करने चाहिए क्योंकि बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है और आप रिफिल बोनस को सेम इलनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फ़ीचर है एम्बुलेंस बेनिफिट अगर आप एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र के लिए तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर लिमिट है थ्री थाउजेंड रुपीज़ की फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की इस पॉलिसी के अंदर डोनर के एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं पर वो सिर्फ की गई सर्जरी के दौरान हुए एक्सपेंसेस ही कवर्ड होते हैं और प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डोनर के लिए कवर्ड नहीं होते हैं फ्रेंड्स अगला फीचर है डोमिसरी ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट एट होम पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जैसे कि ट्रीटमेंट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होना चाहिए साथ ही में ये तब एप्लीकेबल होता है जब पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता या फिर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है और मिनिमम थ्री डेज का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट एट होम होना ज़रूरी है नेक्स्ट फीचर है डे केयर ट्रीटमेंट का ये उन ट्रीटमेंट्स पे एप्लीकेबल है जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन 24 फोर आवर्स से कम का है पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ओ पी डी चार्जेस कवर्ड नहीं है अगर आप लिस्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं मैक्स प्यूपा में सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल हुए कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ई एन टी रिलेटेड सर्जरीज कैटर इत्यादि फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि आयुष इसमें कवर्ड होता है आयुर्वेदा योगा यूनानी होम्योपैथी इत्यादि मैक्स ब्यूपा हेल्थ कंपेनियन में ये कवर्ड है बट ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल में होना जरूरी है फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है एनुअल हेल्थ चेकअप का इस पॉलिसी में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हेल्थ चेकअप फ्री है सभी मेंबर्स के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट यहाँ पर अगर आपकी फोर लाख तक की पॉलिसी है तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज तक का वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट कवर्ड है और अगर फाइव लाख ,00 से ज़्यादा की पॉलिसी है तो ये लिमिट है फाइव थाउजेंड रुपीज़ फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट की ये है हॉस्पिटल कैश अगर आपकी फ़ोर लाख ,00 तक की पॉलिसी है तो यहाँ पर लिमिट है थाउजेंड रुपीज़ पर डे जो कि आपको मिलेगी सेकेंड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के बाद से और अगर आपकी फ़ाइव लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी है तो आपका लिमिट है टू थाउजेंड रुपीज़ पर डे और अगर आपकी फ़िफ्टीन लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी है तो लिमिट है फोर थाउजेंड पर डे अगर आपने फैमिली फ़र्स्ट प्लान चूज़ किया है तो इसकी लिमिट है टू थाउजेंड रुपीज़ पर डे फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक एडिशनल फीचर जिसे कि मैक्स व्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कहता है क्लेम कॉस्ट शेयरिंग ऑप्शन अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा पर इसे ऑप्ट करने का कुछ नुकसान भी है आइए डिटेल में समझते हैं पहला है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल जो कि अवेलेबल है वन लाख टू टेन लाख के ऑप्शन में मान लीजिए आपने चूज किया एनुअल डिडक्टेबल टू लाख तो आपका जो भी क्लेम होगा उसमें से फर्स्ट टू लाख आपको नहीं मिलेगा और उसके ऊपर जो भी क्लेम होगा उसे कंपनी बेयर करेगी ऐसा करने पर आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है रेगुलर प्लान से अगला है ट्रीटमेंट ओनली इन टीयर्ड नेटवर्क अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आप मेजर मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली मुंबई चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद कोलकाता पुणे अहमदाबाद सूरत इन सिटीज़ को छोड़ के बाकी सिटीज़ में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अगर आप इन्हीं मेट्रो सिटीज़ में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको रियम्बरसेबल बेसिस पे ट्रीटमेंट कराना होगा और आपको ट्वेंटी परसेंट को पेमेंट ख़ुद से करना होगा मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए क्योंकि कई बार आप अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए मेजर मेट्रो सिटीज़ में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और उस समय आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैशलेस हो अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हालांकि आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा बट इसका ड्रॉबैक कहीं ज़्यादा है फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी का वेटिंग पीरियड जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके फर्स्ट थर्टी डेज में कोई भी क्लेम सेटल नहीं होंगे एक्सेप्ट अगर वो एक्सीडेंट की वजह से हो रहे हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज की फोर लाख ,00 तक की पॉलिसी के लिए वेटिंग पीरियड है फोर्टी एट मंथ्स यानी कि फोर इयर्स अगर आप फाइव लाख ,00 या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो ये वेटिंग पीरियड है थ्री इयर्स फैमिली फर्स्ट प्लान के लिए भी वेटिंग पीरियड है थ्री इयर्स पर हाँ कुछ एग्जिस्टिंग प्री डिसीज़ के लिए ये लिमिट है टू इयर्स की इनमें से कुछ एग्जाम्पल हुए कैटरैक्ट ई एन टी रिलेटेड सर्जरीज जैसे कि टॉन्सिलाइटिस एडिनॉइड या फिर हर्निया स्टोन्स इत्यादि फ्रेंड्स किसी भी पॉलिसी लेने से पहले ज़रूरी है कि आप उसकी एक्सक्लूजन समझें यहाँ पर भी कुछ एक्सक्लूजनस हैं आइए समझते हैं इस पॉलिसी में कॉन्जेनिटल यानी बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स कवर्ड नहीं हैं नेक्स्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज एड्स एच आई वी इनका ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है मैटर्निटी कवर्ड नहीं है ओ पी डी ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है डेंटल और ओरल ट्रीटमेंट अदर देन एक्सीडेंट कवर्ड नहीं है एल्कोहल या फिर ड्रग ओवर यूज से हुए कोई भी डिसऑर्डर्स कवर्ड नहीं है फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी का प्रीमियम समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ मान लीजिए राम अपने लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है और उसकी एज है थर्टी ईयर्स और वो एक नॉन स्मोकर है उसने फाइव लाख ,00 की पॉलिसी ली है तो एनुअल प्रीमियम होगा सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी वन फ्रेंड्स राम अगर यही पॉलिसी फोर्टी इयर्स की एज में लेता है और साथ में अपनी स्पाउस और एक किड को ऐड करता है तो उसका प्रीमियम होगा सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीमियम डिपेंड करता है आपकी क्या एज है आपने कितने फैमिली मेम्बर्स को ऐड किया है आपकी क्या हेल्थ कंडीशन है और आपने कितने का प्रीमियम लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा मैक्स व्यूपा हेल्थ कंपेनियन प्लान कोरोना वायरस को भी कवर करता है पर इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा आपके सम इंश्योर्ड का पार्ट होगा और अगर आप अलग से कोविड का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें कोरोना कवच और कोरोना रक्षक को कंपेयर किया है आप उसे भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स आपका इस प्लान या पॉलिसी के बारे में कोई क्वेरी है या फिर कमेंट्स है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए फ्रेंड्स जाने से पहले हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए साथ ही मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए थैंक यू एंड स्टे